उस तरीके से भी जस्टिस करना वोकल्स भी गाने को, और फिर गाने में फीचर करके उस तरीके से भी जस्टिस करना, क्योंकि अपना गाना है। अभी अगर मैं गाऊंगा एक गाना तो मुझे पता है कि मेरे को जितने अच्छे से मैंने उस गाने में गाया है, वोकल्स दिए, जान दिए अपने, उतने अच्छे से मुझे फीचर भी करना है, क्योंकि इट हैज़ टू डू जस्टिस। सो फॉर हर इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। When you see on the camera, you would not believe कि क्या चीज़ से क्या create कर दिया और कैमरा पर क्या पोर्ट्रेट हो गया। इतना सुंदर लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। केप टाउन की बात करें तो खतरा झेला है और कितना खतरा दूसरों को दिया। केप टाउन की बात इंडिया में, इंडिया की बात करते हैं, बहुत कम ही मिलते हो, इसलिए यही एक मौका मिला है आपसे। मैं आपसे बार बार मिलूंगा, कल मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, रोज़ मिलना चाहिए यार। अगर मैं आपसे मिलूंगा तो प्रतीक, दो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए, हॉट एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? मतलब क्या कहना है? अब शी इज़ हॉट, मतलब ये मैम भी तो हॉट है, मतलब क्या बात है। ये मेरी बहन है, सगी बहन, शी मैनेजेस इंटायर, एंड हैट्स ऑफ टू हर, शी डज इट ऑल, शी इज द सीईओ। आई डज, आई नो, थैंक यू। ये पूरी मेरी जिंदगी की सीईओ है, कंपनी वंपनी तो छोड़ो, जिंदगी की ही सीईओ है ये मेरी। ओके, मतलब अगर मैं सांस भी ले रहा हूं तो गिनती है, बिग बॉस के टाइम में भी आपको बहुत सपोर्ट किया था बिग बॉस भाई। मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं सांस भी लेता हूं ना तो गिनती है कि एक दिन में कितने सांस लिए। हां, अभी इतने सांस हो गए, अभी अगला सांस सोच के लेना है, ये वो नहीं, मगर बहुत अच्छे से यू हैंडल, बहुत सपोर्ट करते हैं। एक हुक स्टेप है जो हम गाने का देख सकते हैं, आजकल गाना रिलीज हो रहा है, बिस्वा विल डू द हुक स्टेप, बिस्वा करके दिखाएंगे, थोड़ी क्या अमेजिंग डांसर, ज्यादा पीछे 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 भाई भाई पीछे, अरे मैं खतरों से खेल के और हैंडसम हो गए वो। एक बात बताता हूँ, ये बहुत यंग है, इसकी इनकी एज इतनी कम है और इतनी कम एज में इतना टैलेंट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, और एक्सपीरियंस भी बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान इतना एक्सपीरियंस करता है उससे ही एक इंसान बेहतर होता है दिन ब दिन, एंड द एज दैट शी इज एट, शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब सीरियसली, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक सेम गोस फॉर यू यार, मैं कहाँ, मेरी कौन सी छोटी उम्र, मेरी उम्र तो हो गई यार, बट कोई नहीं। So we just playing the song, you know, the teaser feel of it. The teaser, I mean, wo to main le bhi. Wow, kya dekho, hamare gaane ne sabko attract karke apni taraf bula. Come on. Kya baat hai, mere ko dance is gaane ka koreography nahi pata. क्या बात है भाई, स्पॉटिंग में इतना सब कुछ हो रहा है तो गाने में क्या आ रहा है, गाना इज अमेजिंग भाई, कुछ आप भी करो, लोग आवाज नहीं कर रहे हो, सिस्टर रेसिलेटर रहे हो आप, यार इस गाने पे मैं जमता हूँ क्या, मतलब गर्लफ्रेंड वाला टैग लेकर मैं कैसे स्टेप करूँगा, पट्टी को अकेले करेंगे, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मेरे को घर में बंद कर दो, गलत दबा दो, अरे ये बताओ साउंड
टैटू बहुत भारी है भाई, दिख रहे ना मुझे, बस दिख रहा हूँ बहुत टैटू भी दिख रहा है। चलो डन ये नहीं दिखाना है ना, ये सर ऊपर आप थोड़े झुक जाओ। अच्छा अब पैर दिखा सकते, अब पैर दिखा सकते हो, पैर दिखाना आप। होल्ड ऑन वन मोर, वन मेरी भी टेक्निक है भाई, जैसे नीचे जाओ प्रतीक भाई, प्रतीक भाई सुनो वो बहुत फोन में। डन डन थैंक यू। मतलब आप बड़े लग रहे हो। मैं बड़ा लग रहा हूँ, मेरे लंबाई की बोझ बहुत है यार, टेंशन से बड़ा लग रहा हूँ मैं, मेरे को टेंशन से मैं बड़ा हो गया हूँ। कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी आप बहुत खुश हैं, बता दीजिए भैया। आपका रील बहुत फेमस हो गया था। कौन सा रील? सिस्टर वाला। हाँ मुश्किलें बहुत हैं। हाँ मैं शहरी मुझे गया था वो नहीं। तो कैमरा देखो, उसका कैमरा आ रहा है, तो कैमरा तो दिखा रहा है। सोचा नहीं रखने से पहले ये कदम, सोचा ना ही सोच। एक सेकंड, अरे जरा बोल जाएंगे यार। अभी बनाई है मैंने, अभी बनाई है। प्रतीक थिंक टिल देन स्टैंड इज कमिंग इन गुड ऑर्डर। यू थिंक फिलिक्स आ रही है, थोड़ा उसको अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं। इधर स्टैंडिंग याद रहेगा ना, इधर चलो स्टार्ट। मनोज अपने इधर है, इधर लगाना, इसको पकड़ यार, वो इसको भाई दो फोटो पकड़ेंगे, ढक्कन पकड़ेंगे। दो चैनल है, दो चैनल है, एक खास करके प्रतीक भाई के लिए। ये एंगल अल्टीमेट होता है, ये मेरे भाई लोग। इधर इधर सर भाई पीछे लगाओ, इधर ठीक है, इधर अरे इधर सही है। मैं बात कर रहा हूँ इनके बारे में, इनकी बारे में सिर्फ बात करे। जब पहले दिन ये गाना सिलेक्ट हुआ था एंड सिद्धा सर वॉज टॉकिंग अबाउट हिम ऑनली, सो आई वॉन्टेड हिम इन माई वीडियो, और कोई नहीं प्रतीक चाहिए। सो आई वॉज विशिंग कि प्रतीक ही आ जाए मेरे वीडियो में, एंड कोई हो गया। सो थैंक्स टू सिद्धा सर एंड थैंक्स टू प्रतीक, इतना डाउन टू अर्थ है एंड इतना मुझे कम्फर्टेबल फील कराने के लिए सेट पे, तो मुझे एकदम
मतलब अनकम्फर्टेबल फील नहीं लगा. थोड़ा सा रोमांस है गाने में, रोमांस है, हम लोग थोड़ा सा क्लोज आए तो उसमें भी आई वॉज फीलिंग अ बिट शाय, बट ही मेड मी वेरी कम्फर्टेबल. ऐसी क्या क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी जो आपको इतना मतलब काम करने लगा? भाई साहब ऐसी कोई क्वालिटी आप बताओ, आप भी तो कंफर्टेबल हो मेरे साथ. नहीं नहीं मैडम से मेरा तो मेरे को नो एज शी इज लाइक आई वांटेड प्रतीक टू मैं भी जानना चाहता हूं एक्चुअली. यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर वेरी क्या बोलते हैं उसको, यू मेड मी वेरी कंफर्टेबल. यू आर वेरी ही गिव्स अ वेरी गुड वाइब. या ही इज वेरी सपोर्टिव, दैट्स व्हाई मुझे एकदम से आई वाज मुझे याद है इस सेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, क्योंकि यार होता है परफॉर्मेंस में थोड़ा होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्ट भी करना है, फीचर भी करना है और गाना गाने की आवाज़ भी अपनी है, तो एक वो होता है कि यार मेरे को एक्सपेक्टेशंस है मुझसे और मेरे को वो यू नो उन एक्सपेक्टेशंस तक पहुँचना इमेजिन, तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थोड़ी थोड़ी हो रही थी. तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम जैसे मर्जी करो जो मर्जी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टेंशन मत लो, जस्ट बी काम, जस्ट बी कम्फर्टेबल एंड जस्ट बी रिलैक्स, जैसे तुम्हारा दिल करता तुम वो करो एंड डोंट वरी. तो या शी गॉट वेरी कम्फर्टेबल एंड शी वाज वेरी एज वी कैन सी इन द पोस्टर दैट आप लोगों को कैसा लग रहा है केमिस्ट्री और टीजर में, कैसा लग रहा है आप लोग? सो अमेजिंग, दैट्स व्हाई वी आर हियर. ऑल्दो पोस्टर में जिस तरीके से बात एंड ऑल वो थोड़ा बहुत तो हिंट बनता ही है, बिकॉज ऑल एवरीवन वांट्स टू नो दैट लाइक देयर आर मेनी फैंस. क्या हिंट है तो बाटा में बैठा व्हाट इज दैट म्यूजिक? यहां बाटा है नहीं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको बताना है क्या म्यूजिक है. म्यूजिक है क्या? सस्पेंस रहे ना थोड़ा सा. म्यूजिक इज ऑल अबाउट शी इज ट्राइंग टू वू, मतलब वो प्रतीक को, प्रतीक उसका बॉयफ्रेंड है, वो एक्सपेक्ट कर रही, जैसे आज के डेट में होता है कि बॉयफ्रेंड्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफी लाइक आई एम अ गोल्ड डिगर. एक्चुअली आई एम अ गोल्ड डिगर, सो आई एम नो शी इज नॉट गोल्ड डिगर. आई वांट डॉल्चे गबाना बैग, फिर देन आई विल मेक हिम माय बॉयफ्रेंड. लेकिन प्रतीक की अच्छाई उसको बदल देती है. ओके लास्ट में आई गॉट चेंज्ड. म्यूजिक वर्क्स के गाने बहुत अलग अलग सो प्रतीक से जब फर्स्ट टाइम हमने काम किया दुआ करो में, द होल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. एंड मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ही इज़ हियर, ही ऑल्सो मुझे वो टेंशन कर लिया था, तभी मैंने प्रतीक को बोला था कि हम लोग बहुत सारे काम करेंगे. एंड डॉल्चे गबाना में उसका लुक ही चेंज कर दिया, थोड़ा उसको और स्टाइलाइज कर दिया जो है वो जैसा वो दिखता है. एंड आई थिंक एम इज एस के म्यूजिक वर्क्स वी कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट एक्टर, और जिससे फीलिंग जम जाती है, एक वेवलेंथ मैच हो जाता है, देन व्हाई नॉट वी वर्क मोर ऑफन, इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स मच ईजी. लाइक आपने जिस तरीके से कहा कि प्रतीक के साथ मुझे म्यूजिक करना ही था, तो प्रतीक के बहुत सारे काम आपने देखे ही होंगे, तो खतरों भी आपने देखा ही होगा राइट? खतरों के खिलाड़ी जो ये सीजन में प्रतीक थे, तो क्या लगता है कितना धमाल किया है, लाइक कितने लोगों का टफ दिया है कॉम्पिटिशन, लाइक शिवांगी थी, रुबीना थी, जन्नत थी, क्या लगता है प्रतीक जीत के आएंगे? ऐसा लग रहा है कि विनर है? आप बहुत एक अच्छे किसी से पूछ रहे हो जो कभी भी टीवी नहीं देखते हैं. आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट माय म्यूजिक एंड सिर्फ मैं गाना ही गाती हूँ, गाना प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ. बट मैं इनको जानती थी पहले, मैंने एक शो में इनको देखा है एंड उसके बाद से इनका जो पॉपुलरिटी है एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. यार मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि प्रतीक फैम है जो नेक्स्ट लेवल, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल. दे उन्होंने क्या सोच के वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं अक्सर बैठ के कि क्या सोच के इतना वो मुझे प्यार देते हैं. बट आई थिंक दे आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं. और जैसे अभी आप लोगों ने शायद कि कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम, कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम, अब प्रतीक फैम सिर्फ तुम्हारा हो गया ये बदल. ये खड़े खड़े सोच ली मैंने अभी एंड आई थिंक क्या बात. बट प्रतीक के साथ काम करने के बाद मुझे इसकी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है. साईं बाबा से क्या भाई, मांगना मांगते सब है, आई थिंक शुक्रिया करना भी बहुत ज़रूरी है. तो मांगते रहोगे तो फिर
पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि शुक्रिया करो, बहुत मिलेगा, शुक्रगुजार होता है बहुत। कुछ कहने के लिए, जितना बोलूँगा उतना कम है, आई थिंक सिर्फ इतना बोलूँगा कि गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मेरे को अभी भी मतलब मेरी बॉडी पूरी शिवर हो रही है सोचते हुए उनके बारे में, क्योंकि दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल। बिकॉज मैंने इतना जो सपने में सोचा था कभी, अभी वो मेरे पास है। तो अभी मैं अपने हाथ दिखाऊंगा, देखो, बिकॉज इट्स लाइक यू नो सर क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द एंटायर प्रतीक फैम फॉर एवरीथिंग। लास्टली तो बता दीजिए, खतरा में इतने सारे दोस्त बने हैं, आखिर इतने टफ टफ कॉम्पिटिशन हुए हैं, कभी क्रोकोडाइल को उठा के नहीं फेंका नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो डाला तो भाई अभी हम सारे आप मिलने आए थे हमको जेल में सारे सबको, अगर फेंक राजीव निशांत भी है, सभी सभी शिवांगी अनेरी आई थिंक सभी जो लोग थे रुबीना सब लोग से बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद द फ्रेंड्स, बहुत अच्छी दोस्ती सबसे हुई है, बहुत मजा आया। एक्सपीरियंस वॉज जब पहले सिलेक्ट हुआ था ये गाना, जब पहले दिन ये गाना सिलेक्ट हुआ था एंड सिद्धा सर वॉज टॉकिंग अबाउट हिम ओनली, सो आई वॉन्टेड हिम इन माई वीडियो, कि और कोई नहीं प्रतीक चाहिए, सो आई वॉज विशिंग कि प्रतीक ही आ जाए मेरे वीडियो में एंड वही हो गया। सो थैंक्स टू सिद्धा सर, थैंक्स टू प्रतीक, इतना डाउन टू अर्थ है एंड इतना मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए सेट पे, तो मुझे एकदम मतलब अनकम्फर्टेबल फील नहीं लगा। थोड़ा सा रोमांस है गाने में, रोमांस है, हम लोग थोड़ा सा क्लोज आए तो उसमें भी आई वॉज फीलिंग अ बिट शाय, बट ही मेड मी वेरी कम्फर्टेबल। ऐसी क्या क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई प्रतीक की जो आपको इतना मतलब काम करने लगा? क्वालिटी ऐसी कोई क्वालिटी आप बताओ, आप भी तो कंफर्टेबल हो मेरे साथ। मैडम से मेरा मेरे को नो, शी इज लाइक आई वांटेड, मैं भी जानना चाहता हूं एक्चुअली। यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर वेरी क्या बोलते हैं उसको, यू मेड मी वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड वन, या ही इज वेरी सपोर्टिव, दैट्स व्हाई मुझे एकदम से आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि इतना डांस स्टेप्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, क्योंकि यार होता है परफॉर्मेंस में थोड़ा होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्ट भी करना है, फीचर भी करना है और गाना गाने की आवाज़ भी अपनी है, तो एक वो होता है कि यार मेरे को एक्सपेक्टेशंस है मुझसे और मेरे को वो यू नो उन एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचना, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो लाइक दिस काइंड ऑफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर कोई बात नहीं यार, तुम जैसे मर्जी करो जो मर्जी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टेंशन मत लो, जस्ट बी काम, जस्ट बी कम्फर्टेबल एंड जस्ट बी रिलैक्स, जैसे तुम्हारा दिल करता तुम वो करो एंड डोंट वरी। तो या शी गॉट वेरी कम्फर्टेबल एंड शी वॉज वेरी। आप लोगों को कैसा लग रहा है केमिस्ट्री टीजर में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? थैंक यू। ऑल्दो पोस्टर में जिस तरीके से बात हुआ एंड ऑल, थोड़ा बहुत तो हिंट बनता ही है, बिकॉज़ ऑल एवरीवन वांट्स टू नो दैट राइट, देयर आर मेनी थिंग्स। क्या हिंट दे, बताओ, बाटा में बैठे यहाँ, बाटा है नहीं तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको बताना है क्या म्यूजिक है क्या, सस्पेंस रहे ना थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ऑल अबाउट शी इज ट्राइंग टू वू, मतलब वो प्रतीक को, प्रतीक उसका बॉयफ्रेंड है, वो एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे आज के डेट में होता है कि बॉयफ्रेंड्स से एक्सपेक्ट किया जाता है। इट्स लाइक आई एम अ गोल्ड डिगर, एक्चुअली आई एम अ गोल्ड डिगर, सो आई एम आई वांट डॉल्चे गबाना बैक, फिर देन आई विल मेक हिम माय बॉयफ्रेंड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छाई उसको बदल देती है। ओके, लास्ट में आई गॉट चेंज्ड, या कि इतना प्यार प्रतीक से जब फर्स्ट टाइम हमने काम किया दुआ करो में, द होल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड एंड मतलब
आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ही इज हियर, ही ऑल्सो नोज दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, एंड ये जितना डेडिकेशन और हार्डवर्क लेके आता है अपने साथ, तो दैट इज समथिंग विच एनी प्रोड्यूसर और एनी कंपनी वुड वॉन्ट दैट फ्रॉम एन आर्टिस्ट, बी इट अ सिंगर और अ एक्टर. तो मुझे वो टेंशन ही नहीं होता, तो तभी हमने डिसाइड कर लिया था, तभी मैंने प्रतीक को बोला था कि हम लोग बहुत सारे काम करेंगे. एंड डॉल्चे गबाना में उसका लुक ही चेंज कर दिया, थोड़ा उसको और स्टाइलाइज कर दिया, जो है वो जैसा वो दिखता है. एंड आई थिंक एम इज एस के म्यूजिक वर्क्स वी कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट एक्टर, और जिससे ट्यूनिंग जम जाती है, एक वेवलेंथ मैच हो जाता है, देन व्हाई नॉट वी वर्क मोर ऑफन, इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स मच ईजी. लाइक आपने जिस तरीके से कहा कि प्रतीक के साथ मुझे म्यूजिक करना ही था, तो प्रतीक के बहुत सारे काम आपने देखे ही होंगे, तो खतरों भी आपने देखा ही होगा राइट, खतरों के खिलाड़ी जो ये सीजन में प्रतीक ने. सही तरीके से सवाल पूछा. क्या लगता है कितना धमाल किया है, लाइक कितने लोगों को टफ दिया है कॉम्पिटिशन, लाइक शिवांगी थी, रुबीना थी, आप बहुत एक अच्छे किसी से पूछ रहे हो जो कभी भी टीवी नहीं देखता है. आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट माय म्यूजिक एंड सिर्फ मैं गाना ही गाती हूँ, गाना प्रैक्टिस करती हूँ, मैं टीवी नहीं देखती हूँ एक्चुअली. बट मैं इनको जानती थी पहले, मैंने एक शो में इनको देखा है, एंड उसके बाद से इनका जो पॉपुलैरिटी है, एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. यार मैंने तो हमेशा बोलता हूँ कि प्रतीक फैम है जो नेक्स्ट लेवल, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल. दे उन्होंने क्या सोच के वो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं अक्सर बैठ के कि क्या सोच के इतना वो मुझे प्यार देते हैं. बट आई थिंक दे आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं. और जैसे अभी आप लोगों ने शायरी पूछी, तो मैं एक शायरी मैंने सोच ली अभी कि कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम, कभी सोचा नहीं मैंने ज़िंदगी में रखने से पहले एक कदम, अब प्रतीक फैम सिर्फ तुम्हारा हो गया ये बदन. वाओ, ये खड़े खड़े सोच ली मैंने अभी, एंड आई थिंक इतना प्यार मिला है काम करने के बाद, मुझे इसकी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है. भाई मामा से क्या मांगना, भाई मांगना मांगते सब है, आई थिंक शुक्रिया करना भी बहुत जरूरी है. तो मांगते रहोगे तो फिर कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि शुक्रिया करो बहुत मिलेगा, शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है. कुछ कहना है, कुछ कहने के लिए अभी जितना बोलूँगा उतना कम है. आई थिंक सिर्फ इतना बोलूँगा कि गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मेरे को अभी भी मतलब मेरी बॉडी पूरी शिवर हो रही है सोचते हुए कि उनके बारे में, क्योंकि दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल यार. बिकॉज मैंने जितना जो सपने में सोचा था कभी, अभी वो मेरे पास है. तो अभी मैं अपने हाथ दिखाऊँ, ये देखो, बिकॉज इट्स लाइक यू नो इस क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, बस थैंक यू टू द एंटायर प्रतीक फैम फॉर एवरीथिंग. लास्टली तो बता दीजिए, खतरा में इतने सारे दोस्त बने हैं, आखिर इतने टफ टफ कॉम्पिटिशन हुए हैं, कभी क्रोकोडाइल को उठा के फेंका गया कुछ तो है? क्रोकोडाइल को उठा के नहीं फेंका किसने, फेंका वो डाला था. फेंकेंगे तो भाई अभी हम सारे आप मिलने आए थे हमको जेल में सारे सबको, अगर फेंकते तो ऑस्ट्रिच को भी फेंक नहीं सकते भाई, ऑस्ट्रिच हमको उठा के फेंक देगा. सो या मज़ा आया, एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे वहाँ पे, फैजू, राजीव, निशांत भी है, सभी सभी शिवांगी, अनेरी, आई थिंक सभी जो लोग थे, रुबीना, सब लोग से बहुत अच्छी दोस्ती हुई है. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद द फ्रेंड्स, बहुत अच्छी दोस्ती सबसे हुई है, बहुत मज़ा आया दोस्ती.